तुमने पहले क्या बोला? नहीं वो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जवाब, नहीं नहीं बोलने वाला, मैं नहीं जवाब दूंगा इसका। मैंने तुमने मेरे को क्या बोले थे? नहीं नहीं ये गलत बात है, ये गलत, नहीं नहीं मैं माफी, मैंने वहाँ भी बोला था कि माफी चाहता हूँ, खत्म होगा ये मसला, अलग है वो मसला, नहीं 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 एक सवाल, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या क्यों नहीं हो रहा इनका काम? काम हो जाएगा कल उनका। तो म्यूनसिपालिटी का मैं कमिश्नर नहीं हूँ कि टीम क्या है क्या नहीं है वो देखना मेरा काम नहीं है ना। मैं नागरिक हूँ, औरंगाबाद का नागरिक हूँ, और मुझे म्यूनसिपालिटी की तरफ से जो तकलीफ है उसकी शिकायत मैं कानून से यहाँ क्या कर रहा है। आप देख रहे हैं MCN समाचार। अभी हम महानगर पालिका वार्ड नंबर 2 में है, अठौले साहब के पास। यहाँ पर काफ़ी लोगों को परेशानी है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट निकालने के लिए, डेथ सर्टिफिकेट निकालने के लिए। यहाँ के कई लोगों का आरोप है कि यहाँ पर नेट बंद है, नेट नहीं चालू रहता है। आइए अठौले साहब से बात करती है कि नेट कितने दिन से, कितने घंटों से बंद है। जी अठौले साहब, नेट कितने दिनों से बंद नहीं है, कुछ घंटे से नेट बंद है। आदमी गया है नेट का वो डोंगल लाने, आधे घंटे में डोंगल लेके आएगा तो काम शुरू हो जाएगा। सवेरे से काम चालू था, अभी अभी डोंगल वो रिचार्ज खत्म हो गया तो आधे घंटे में हो जाएगा काम शुरू। सर ये जो रिचार्ज खत्म हो गया तो किसका है, कौन से कंपनी का आपका डोंगल है या लीज लाइन है या क्या है आपका? वो सब हमको हेड ऑफिस है कंप्यूटर सेक्शन से डोंगल मिलता है। अभी वो कौन से कंपनी का है उसके बारे में मुझको मालूम नहीं है। यहाँ वो लगाते कंप्यूटर वाले बच्चे और शुरू करते थे। सर अभी सब ऑनलाइन हो गया, मोदी सरकार सब कुछ ऑनलाइन बता रही है, ऑनलाइन करना है। तो आपके पास महानगर पालिका के पास इतनी तैयारी नहीं है क्या, ऑलरेडी 1 साल का 6 महीने का ऐसा कुछ उसको रिचार्ज कर सके जिससे लोगों को तकलीफ ना हो? हाँ इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। तो आपने इसके कंप्लेन बोलो या आपने इसको रिलेटेड आपके सीनियर्स को कहा क्या? कहा है, लेख ही लेटर दे चुका हूँ। और कल भी मेरी वो हमारे कंप्यूटर सेक्शन के हेड है वो आदिल सिद्दीकी, उनसे बात की थी मैंने कल भी, और वो बोले कि अभी बंदा आ जाएगा बोले। सर ऐसा महीने में कितने मरतबा होता है नेट का प्रॉब्लम या लोगों को दिक्कत कितने मरतबा होती? कभी नहीं होता है, डोंगल अभी ख़त्म हो गया, रिचार्ज ख़त्म हो गया बोल के दिक्कत आई, वो आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। सर महानगर पालिका सिर्फ और सिर्फ लोगों का ऐसा कहना है कि वसूली के लिए तैयार रहती है, हर तरह से वसूली करेंगे करके, लेकिन महानगर पालिका की तरफ से कोई तरह से हमको सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? ये इसके बारे में मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। आपके क्या प्रॉब्लम है, आप कितने महीने से यहाँ पर महानगर पालिका में चक्कर मार रहे? ये मैं समझो 5-6 महीने से जैसा आते जाता इधर साहब को बोलता मैं कि हमारे मकान के पीछे जो तो कचरा वचरा बहुत जमा हुआ है, वो जगह म्यूनसिपैलिटी की है तो वो म्यूनसिपैलिटी का काम है वो कचरा उठाना चाहिए। और उस इस रिलेशन से मैं उन्होंने सिद्धार्थ गार्डन में भी वो कोई साहब बैठते उनको जाके मिलो, वहाँ पर भी मैंने 10 भी चक्कर काटा, इधर भी चक्कर काट रहा और 6 महीने साल भर से चक्कर काट का, लेकिन अभी तक कचरा उठाया नहीं। 5 साल से वो कचरा उठेवा नहीं, बहुत जमा हुआ कचरा वहाँ पे, साफ बिच्छू काटे वो सब निकलते रहते, उससे हमारे को बहुत तकलीफ होती है। और हमारे बंगले का वॉचमैन भी भाग गया, रात को साफ निकल गया था। तो अच्छा मुझे एक बात बोलो, फिर सिर्फ महानगर पालिका वसूली के लिए तैयार है या कुछ सर्विस भी देने के लिए महानगर पालिका खड़े रहती है, आपको ऐसा लगता है क्या? वसूली को तो तैयार है, हर वक्त हर साल हमसे तो पानी पट्टी टैक्स वैक्स एन टैक्स वो सब लेती है। अभी 6-8 महीने से साल भर से चक्कर काट का तो कचरा तो नहीं उठा रही ना, तो टैक्स तो ले रही है। और अब ये जो म्यूनसिपालिटी का काम है वो भी नहीं कर रहे ना कचरा उठाना, तो उनकी म्यूनसिपालिटी की जगह में तो उनका ही काम है ना, हमारे मकान में का कचरा उठाओ थोड़ी बहुत काम है वो तो जो म्यूनसिपालिटी की जगह है वो हक ही उठाने को। यहाँ पर जोन नंबर 2 में आपके कंप्लेन को कोई दिल पे नहीं ले रहा, कोई काम नहीं कर रहा, तो आपने हुआ नहीं मतलब दिल पे नहीं लिया ठीक है, हुआ तो बोलिए काम कर रहा। मैं कोई अठावले साहब मेरे दुश्मन नहीं है, कोई लोग मेरे दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर मेरा काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ ही बोलूंगा ना मैं, और हुआ तो हुआ ही बोलूंगा ना, ये भी बोलेंगे तुम्हारा काम हुआ तो ये भी मेरे को डांटेंगे ना अगर काम किए तो। तो अठौले साहब दिल पे नहीं ले रहे या अठौले साहब के पास उतनी नहीं हुआ, अठौले साहब के पास इतनी टीम नहीं है अब वो। अच्छा अगर ये तकलीफ आपकी दूर नहीं हुई हाँ। तो आप क्या करोगे, अगला स्टेप क्या उठाओगे? क्या कर सकता है इंसान, चक्कर ही काट सकता है इस उम्र में, मेरी उम्र में हो मैं क्या कर सकता, मैं क्या कोगाट कचेरी झगड़े लपड़े तो नहीं कर सकता ना। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 इयर्स, 60 साल का हूँ मैं, और मेरे को BP है, शुगर है, दुनिया भर की बीमारियाँ, ये 2 मंजिल चढ़ के आना भी मुझे तकलीफ होती बार बार।
तो अब मेरा काम नहीं हुआ तो इसलिए चक्कर तो काटना मजबूरी है। मेरी तो कोई उम्र नहीं कि किसी की जाके नल्दी पकड़ लूँ, झगड़े करूँ या कोर्ट कचहरी करूँ कचरा उठाने के लिए। और कई मैनेजमेंट की बात, मैं म्यूनसिपालिटी का कमिश्नर नहीं हूँ, मैं कमिश्नर बनूंगा तब कैसा काम बराबर। कमिश्नर साहब को मिलेगा जाके आप क्या भाई ये मैं जोन वार्ड दो वो कैसा है वो बड़े लोग भी हम गरीबों को मिलेंगे क्या? तो आपने राइटिंग में कंप्लेन नहीं दी क्या? राइटिंग में यहाँ कंप्लेन 7-8 महीने साल भर पहले दे दिया था, वो कंप्लेन भी ला पाता होगा क्या मालूम इनके पास में है कि नहीं अभी। और क्या है कि राइटिंग में मैंने दिया था ना बहुत पहले, वो सिद्धार्थ गार्डन में दिया था मेरे को पहले थे वहाँ जाओ वहाँ जाओ तो हटोले सर कंप्लेन। एक मिनट हो गया उनका सवाल जवाब नहीं कर, नहीं सवाल नहीं कर हटोले साहब एक मिनट, एक ही सवाल नहीं नहीं मेरे को एक ही बात, मेरे को तुमने पहले क्या बोले? ठीक है नहीं वो नहीं मैं बिल्कुल नहीं जवाब, एक ही बात बोल नहीं नहीं मैं ये इतने महीने से चक्कर वाला मैं नहीं जवाब दूंगा इसका। मैंने तुमने मेरे को क्या बोले थे? नहीं नहीं ये गलत बात है, गलत नहीं ये गलत नहीं नहीं मैं माफी मैंने वहाँ भी बोला था कि माफी चाहता हूँ खत्म होगा ये मसला अलग है वो मसला नहीं 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 एक सवाल नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या क्यों नहीं हो रहा इनका काम? काम हो जाएगा कल उनका, मगर तुमने मेरे को कौन सी बात करके मेरे से बात करा है? अब तुम दूसरे बात करने ये तुम्हारे तुमने मेरे को इस हिसाब से बात किए अटोले साहब मैं आप जाएगा कल पक्का आप देख लो काम हो जाएगा उनका। अभी 7-8 महीने साल भर से तो नहीं हुआ, अब कल वो ऊपर वाला यानी होगा कि नहीं होगा मैं क्या बोलूँ? अभी आपको अटोले साहब ने आपके सामने आश्वासन दिया क्या कल काम हो जाएगा? देखो अभी अटोले साहब की मेरी दुश्मनी नहीं है, वो दुश्मनी भी निकालेंगे मेरे से, ऐसे उन्होंने जुबान मेरे को बहुत टाइम दे दिए अब हमने कैसे यकीन करना बोलो? खुद मायना करो ये टाइम में अब हमने कैसे उसके आगे जाके मैं बोल रहा हूँ उन्होंने, लेकिन अब हम भी एक नागरिक है ना उनको ज्यादा बोल नहीं सकते ना। नहीं अटोले साहब ने भी आपको जबान दे दी कि कल हो जाएगा आपका काम। अगर साहब ऐसी जुबान बहुत मकतबा दे दी तो आप न्यूज वाले आप जाके मायना कर सकते हैं और क्या बोल सकता हूँ। अभी हमने अटोले साहब से बात की और यहाँ पर दो मुद्दे थे जिसमें पहला मुद्दा ये था कि नेट बंद है, तो अटोले साहब ने कहा कि थोड़ी देर में डोंगल आ जाएगा। और एक साहब थे जो कम से कम 6 महीने से कचरे को लेके चक्कर मार रहे थे, काफ़ी परेशान थे, उनको बीपी शुगर वगैरह है लेकिन उनका भी काम नहीं हो रहा था, उसमें भी अठौले साहब ने हमको आश्वासन दिया कि उनका काम कल हो जाएगा करके। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार सैयद एहतिशाम उल हक के साथ।